नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इनमें से गया, सासाराम, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई और समस्तीपुर 6 सीटें सुरक्षित हैं। इन 6 सीटों के दावेदार ने एनडीए में बेचैनी बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों पर सामंजस्य बैठाने की चुनौती होगी। नीतीश के एनडीए में आने के बाद मामला और पेचीदा हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 6 सीटें एससी एसटी के लिए सुरक्षित हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव से सभी 6 सीटें एनडीए के कब्जे में हैं। इनमें से आधे पर रामविलास पासवान के परिवार का कब्जा है। जीतन राम मांझी की तरफ से गया सीट पर दावेदारी की जा रही है। रामविलास पासवान के परिवार में भी हंगामा मचा है। जमुई सीट पर जदयू की भी नजर है। नीतीश कुमार अशोक चौधरी को वहां से लड़ाना चाहते हैं। लोकसभा की सुरक्षित सीटों पर बीजेपी की नजर है। सीट पर दावेदारी, इस बारे में बात करेंगे आपसे। बिहार में लोकसभा की सुरक्षित 6 सीटों में से हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गोपालगंज, गया और जमुई है। इनमें से हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई रामविलास पासवान के परिवार के पास है। हाजीपुर से पशुपति पारस सांसद हैं, वहीं उनके भतीजे प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। समस्तीपुर और जमुई सीट पर जदयू की भी नजर है। समस्तीपुर से जदयू के महेश्वर हजारी सांसद रह चुके हैं। गोपालगंज और गया सीट अभी जदयू के पास है। बीजेपी के पास केवल सासाराम की सीट है, जहाँ से छेदी पासवान सांसद हैं। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, इस बारे में आपको बताएंगे कि बिहार में जाति गणना सर्वे में एससी एसटी की कुल आबादी 21% के करीब होने की बात बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 2,56,89,820 है। यह संख्या करीब 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 21,99,361 है, जो कुल आबादी का 1.68% है। 2014 में बीजेपी ने 22 सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद 2019 में बीजेपी को 5 सीटिंग सीट छोड़नी पड़ी। इसमें गया और गोपालगंज की सीटिंग सीट भी थी। 2014 में जनक राम गोपालगंज से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। गया सीट पर जदयू के सांसद हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी इस पर अपना उम्मीदवार देना चाहती है। जीतन राम मांझी की नजर भी इस सीट पर है। अब आपको बता दें चलें कि चाचा भतीजा ने जमकर टेंशन भी बढ़ा दी है। 2019 में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को 6 सीटें दी गई। रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस और चिराग पासवान दो गुट में बट गए। एक तरफ जहां चिराग पासवान लोजपा की सभी सीट चाहते हैं, तो वहीं पशुपति पारस अपने को असली लोजपा बताते हुए सभी सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। और सबसे अधिक विवाद हाजीपुर सीट को लेकर है। पशुपति पारस अभी वहां से सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ने की बात पर अड़े हैं। चिराग पासवान जमुई से शिफ्ट होकर अब हाजीपुर से इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आपको ये भी बता दें चले, अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कि क्या होता है। चाचा भतीजा पे जो चुनावी जंग चल रही है, ये कब थमने का नाम नहीं लेती है, या विवाद और भी गहराता चला जाता। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।